आर मधुबन एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तमिल और हिंदी फिल्मों के अलावा कुछ तेलुगु, मलयालम और कन्नाडा फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में बने की अपनी बादशी होक्स में, गजमाई और साया जैसे हिंदी शो ओपेरा में काम करके अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 2000 में मधुबन ने मणि रत्न की रोमांटिक ड्रामा फिल्म अलाइया पेयाथू में मुख्य भूमिका निभाकर तमिल सिनेमा में पहचान हासिल की। इसके बाद उन्होंने दो व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्मों गौतम वासुदेव मेनन के निर्देशन में बनी फिल्म मितेला और मद्रास टॉकीज की डम 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 अभियान किया था। साथ ही प्रमुख भूमिका में उनकी पहली हिंदी फिल्म रेहाना भी थी। 2000 के दशक की शुरुआत में मधुबन ने कथिल्ला, मुतमितनला, रन, अबे शिवम्मा और अयथा उजुथू सहित तमिल फिल्मों में काम किया। मधुबन ने हिंदी फिल्म उद्योग में भी अपना करियर बनाया, जिसमें राकेश ओम प्रकाश मेरा की रंग दे बसंती, मणिरत्ना की बायोपिक गुरु और राजकुमार ईरानी की थ्री इडियट जैसी फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई, जो उस समय रिलीज होने पर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। 2000 के दशक के अंत में मधुबन ने जिन अन्य तमिल प्रस्तुति पर काम किया उनमें इवाना ओरुवाना, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था, और डरावनी फिल्म यवरुमा नलामा शामिल है। तनु वेस, मनु और वेटाइया में प्रदर्शित होने के बाद मधुबन ने नई फिल्म परियोजना पर हस्ताक्षर करने से एक लंबा ब्रेक लिया। उनकी वापसी वाली फिल्में रोमांटिक कॉमेडी तनुवेर मनु रिटर्न है, त्रिवासी स्पोर्ट ड्रामा इरुथी सुतुरु और क्राइम पेट्रोल फिल्म विक्रम बेदा सभी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इरुथी सुतुरु में एक गवार बॉक्सिंग कोच के रूप में उनके प्रशंसक ने उन्हें फिल्म फेयर आईफा और सीमा पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलवाया।